लाइन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में और ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन मैंने कर दिया था वहाँ पे। अभी मैं जल्दी बताता हूँ, करेक्ट टू एक्सली, अगर आप सही में अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो देखें तो इट इज़ अ प्रॉपरली एक्सप्लेन। द टू कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ डिफरेंट रेडियस कैरिंग अ करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, लेट एफ वन बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इनर सोलेनोइड एंड ड्यू टू द आउटर वन, एंड एफ टू बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आउटर सोलेनोइड ड्यू टू द इनर वन। देन बताइए क्या, तो ये आउटर सोलेनोइड और ये इनर सोलेनोइड है। तो अब मान लीजिए दोनों में करंट डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, देखिए सेम डायरेक्शन में, तो अंदर वाला जो सोलेनोइड है उसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और बाहर वाला सोलेनोइड उसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसको जब इधर से देखेंगे ना, जब इसको इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला करंट ऐसे, ये वाला करंट ऐसे, और ये वाला करंट ऐसे, तो ऐसे दिखेगा। अब चलिए अब कह रहा है कि बताइए कि इस वाले पे कितना फोर्स काम करेगा, अगर वो F2 है, इस पे F2 फोर्स काम कर रहा है और इस पे F1 फोर्स काम कर रहा है, तो F2 और F1 की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि F2 की वैल्यू कितनी होगी, फिर बात करेंगे कि F1 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू कितनी होगी। तो F2 मतलब इस सोलेनोइड पे कितना फोर्स काम कर रहा है, तो बाहर वाले सोलेनोइड पे जो भी फोर्स काम करेगा वो तो अंदर वाले सोलेनोइड की वैसे काम करेगा नहीं, गुड। अच्छा, अंदर वाला सोलेनोइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड देगा वो अपने अंदर देता है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर होता है। अगर आप एक सोलेनोइड इस तरीके से बना दें, अगर आप ऐसे बनाए एक सोलेनोइड इस तरीके से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर फील्ड कितना आता है, जीरो, और अंदर फील्ड आता है, और सेंटर का फील्ड रफली कितना आता है, म्यू एन आई। तो फील्ड अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, इसका मतलब ये सोलेनोइड बाहर फील्ड जीरो देगा। तो जब बाहर फील्ड ही नहीं देगा तो फोर्स इस वायर पे कैसे आएगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्या होता है, आई एल इंटू बी होता है, आई एल इंटू बी। और जब बाहर फील्ड ही नहीं है इस वाले की वजह से तो फोर्स क्यों आएगा। और दूसरी चीज, इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वजह से जो फोर्स आता है इस वायर के ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड हर हाल में किसकी वजह से होना चाहिए, खुद की वजह से नहीं होना चाहिए, दूसरे की वजह से होना चाहिए। भाई अगर मुझ पर फोर्स पता करना है कितना लग रहा है, तो हमें जानना पड़ेगा कि दूसरे की वजह से कितना फील्ड आ रहा है, नहीं। तो यहाँ इस वाले वायर पे, इस वाले वायर की वजह से फील्ड ही नहीं आ रहा है, तो इस पर फोर्स कितना आएगा, जीरो, तो एफ टू विल बी जीरो, तो एफ टू विल बी जीरो, ये हमको समझ में आ गया। सेकेंड, F1 कितना होगा, अच्छा F1 अंदर वाला जो वायर है इस पे जो फोर्स लगेगा वो किसके वजह से लगेगा, बाहर वाले की वजह से आएगा, और बाहर वाले की वजह से कितना आएगा, इसके लिए हमको इसका फील्ड देखना पड़ेगा। हाँ, बाहर वाला तो इस पॉइंट पे फील्ड देगा, लेकिन वो किधर देगा, अंदर की ओर देगा, तो अंदर की ओर फील्ड देगा इस तरीके से, अंदर की ओर फील्ड ऐसे देगा। और इस वाले वायर पे फील्ड खुद के मैग्नेटिक फील्ड से नहीं आएगा, बाहर वाले की वजह से आएगा, और बाहर वाला फील्ड किधर दे रहा है, अंदर की ओर दे रहा है। अब मुझे पता करना है कि बताइए इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं यहाँ पे समझाने के लिए आपको, तो देखिए ये बाहर वाला वायर है करंट ऐसे, ये अंदर वाला वायर करंट ऐसे, और फील्ड है इस तरीके से, फील्ड है इस तरीके से, फील्ड ऐसे, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मैं पूछूं कि इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो आई एल क्रॉस वी इधर, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और परपेंडिकुलर लगेगा करंट पे। मैं पूछूं इस पर फोर्स बताइए, तो आई एल क्रॉस वी इधर, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आई एल क्रॉस बी इधर, मतलब यहाँ पे करंट ऐसे इधर फोर्स, तो आई एल क्रॉस बी उधर जाएगा। मतलब इस वाले वायर पे जो फोर्स लगने वाला है ना वो रेडियली आउटवर्ड लगने वाला है, रेडियली आउटवर्ड। तो अंदर वाले पे जो भी फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा। तो एफ वन, अब अंदर वाले पे तो एफ वन काम कर रहा है, तो एफ वन इज रेडियली आउटवर्ड एंड एफ टू इज जीरो, एफ टू तो जीरो आया ही। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, थर्ड ऑप्शन, और यही जेई मेन ने आंसर दिया भी था, तो एफ वन इज रेडियली आउटवर्ड एंड एफ टू इज जीरो। बट एक्चुअल में उन्होंने एफ टू वेक्टर की बात की है, और एफ टू वेक्टर मतलब क्या है, इट इज द नेट फोर्स ऑन दिस रिंग। तो इस रिंग पे नेट फोर्स की बात की जाए तो जीरो नहीं हो जाएगा भाई, ये जो फोर्स है वो इधर के फोर्स से कैंसिल आउट होगा, ये वाला फोर्स इधर के फोर्स से, ये वाला फोर्स इधर के फोर्स से, ये वाला फोर्स इसके फोर्स से, तो नेट फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया। तो F2 को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, F2 कह रहे हैं F1 को भी जीरो होना चाहिए। तो एक आंसर ये भी हो जाएगा कि F1 भी जीरो, F2 भी जीरो। अब जेई मेन ने इसको दिया था, तो ये बोलना कि आंसर गलत है, ये गलत है। एक्चुअल में ये भी आंसर होल्ड कर सकता है, तो इसमें आपको थ्री या फोर दोनों ही मार्क कर सकते हैं। और कोई पूछे कि वास्तव में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो इट इज़ फोर, इट इज़ नॉट थ्री, क्योंकि अरे ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, इट नॉट मीन कि ये फोर्स, तो एक आता ना कि पता ही स्ट्रेस फोर्स जो आ रहा है वो किधर से आ रहा है,
जो स्ट्रेस आ रहा है वो फोर्स की वजह से, वो फोर्स किधर है, तो सारे फोर्सेस किसी स्ट्री पे पूछता, एक छोटा सा एलिमेंट बताइए उस पर फोर्स किधर लग रहा है, तुम्हें कहता है कि रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, छोटे वाले स्ट्रिप पे रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। इनको पूछे नेट फोर्स बताइए, तो आंसर क्या होगा, जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताते हैं आपको। 70 में कह रहा है कि कंसिडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन द आइसोलेटेड क्लोज चैम्बर एज द गैस अंडरगोज द एडियाबेटिक एक्सपेंशंस एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस वी टू द पावर क्यू वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस द वैल्यू ऑफ क्यू। पूछ रहा क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू क्या है, कितना टाइम लग रहा है दो कोलिजन्स में, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराने के पहले जो दूरी तय करती है एवरेज दूरी, उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है, मीन फ्री पाथ है, वो मीन फ्री पाथ है, तो इट इज़ लैम्डा इज मीन फ्री पाथ। और अगर मीन फ्री पाथ मिल गया और इस पार्टिकल की स्पीड भी है, तो कोई पूछे टाइम कितना लगेगा, तो मीन फ्री पाथ अपन स्पीड टाइम आ जाएगा। अब मीन फ्री पाथ निकालना पड़ेगा, अब मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में बढ़ा जाता है कि ये होता है 1/√2πd² है, ये होता है मीन फ्री पाथ फॉर्मूला, √2πd² है, 1 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, डी क्या हो डायमीटर है, तो चाहे गैस एडियाबेटिक एक्सपेंड करे या कंप्रेस करे, क्या गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर बदल सकता है, क्या सवाल ही नहीं पैदा होता, मॉलिक्यूल्स का डायमीटर तो वही रहेगा जो पहले था, तो डायमीटर पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, बस एन पे असर पड़ेगा, एन क्या, एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर रूट वॉल्यूम। तो जब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंशन, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर रूट वॉल्यूम, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एन तो कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी क्लोज सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, तो एन कांस्टेंट हो गया भाई, किसी चैम्बर में कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इट इज कांस्टेंट, चाहे एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन, क्योंकि क्लोज सिस्टम है, तो एन कांस्टेंट हो गया, अब भी बढ़ रहा है तो एन घटेगा, और जब एन घटेगा तो मीन फ्री पाथ इंक्रीज करेगा, तो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, ऑब्वियसली है ये तो बढ़ना भी चाहिए नहीं, जब एक्सपेंशन मॉलिक्यूल्स वही हैं और जब एक्सपेंशन हो रहा है, जब ज़्यादा वॉल्यूम में वो रहेंगे तो एवरेज दूरी बीच की क्या होगी, ऑब्वियस है कि इंक्रीज करेगी, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं लिखा लैम्डा बराबर 1/√2πd² एन, और एन के पे क्या लिखा मैंने, एन अपान बी लिख दिया, अब ये एन ये डी ये पाई रूट कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा भी के प्रोपोर्शनल है, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के इन सबको एक नया कांस्टेंट मान लिया, इन सबको एक नया कांस्टेंट सी मान लिया, लैम्डा बराबर सी इंटू भी। अब देखिए अब इतना मैं लिख दिया, तो अगर कोई पूछे कि टाइम कितना लगेगा, टाइम रिलैक्सेशन टाइम, ये टाइम यही टाइम है, वो क्या होगा, मीन प्री पाथ अपान एवरेज स्पीड पार्टिकल की, तो लैम्डा अपान एवरेज स्पीड क्या होता है, √8RT अपान पाई एम होता है, तो लिख दिया, और लैम्डा को उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, जब प्लेस किया तो ये सी कांस्टेंट है, 8R अपान पाई एम कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट मैंने C1 मान लिया, और इसको लिख दिया वी इंटू टी का पार्ट माइनस हाफ, क्यों, क्योंकि ये टी का पार्ट हाफ है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बन जाएगा, तो ये बन गया क्या कि एवरेज टाइम बराबर C1 भी वॉल्यूम टी का पार्ट माइनस हाफ, बट क्वेश्चन में भी के टर्म में बता करना है, इसका मतलब आपको टी को भी के टर्म में बदलना पड़ेगा, और टी को इस भी के टर्म में बदलना पड़ेगा, और वो क्या प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टी और भी में क्या रिलेशन होता है ये पता करेंगे, तो ये होता है ना टी इंटू भी का पार्ट गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से मैंने इस टी को उठाया और यहाँ प्लेस कर दिया, तो क्या होगा C1 ई कांस्टेंट इंटू भी, और ये सी नॉट आएगा ही, और इस टी की जगह पे जब इसको रखेंगे इस टी को तो क्या बनेगा, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा भी का पार्ट 1-γ, हाँ इसलिए भाई यहाँ से टी बताइए ना क्या आएगा, यहाँ से टी की आएगी सी नॉट भी का पार्ट 1-γ, क्योंकि ये नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा तो माइनस टर्म तो बन गया, तो इस टी की जगह पे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, तो जब लिखेंगे तो सी नॉट का पार्ट रूट बनेगा, इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए ना C1, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पता करना है ना, प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीजेस एज, तो C0 लिख लिया, C1 भी को रहने दिया और इस टी की जगह पे मैंने इसको प्लेस किया, तो बन गया क्या भी का पावर 1-γ का होल पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, C0 C1 को एक नया कांस्टेंट C मान लिया, मैंने लिख लिया C इंटू भी का पावर 1, और भी का यहाँ का पावर इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये इससे बड़े तो माइनस हाफ बनेगा, और ये इससे बड़े होगा तो ये प्लस गामा बाई 2 बनेगा, जोड़ दो
इन सबको, तो बन गया सी इंटू वी का पार्ट वन प्लस गामा बाई टू। इसका मतलब कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ या टाइम बिटवीन टू कोलिजन, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी का पार्ट वन प्लस गामा पॉइंट टू। अब उन्होंने कहा कि वी का पार्ट क्यू है, तो क्यू इज व्हाट, वन प्लस गामा पॉइंट टू। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन को मार्क कर दिया। अब आते हैं 71 क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है। देखिए 71 में कह रहा है कि एक LCR सर्किट है, एक LCR सर्किट है, देखिए LCR सर्किट है इक्विवेलेंट टू द डैम्प पेंडुलम। सही बात है, एक LC सर्किट जो होता है वो LC ऑसिलेशन सर्किट होता है, और रेजिस्टेंस जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता है, होना भी चाहिए भाई। अगर R नहीं होता है, सिर्फ L और C होता तो एनर्जी लॉस सिस्टम की नहीं होती, और अगर R आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगी, लॉस करेगी, तो एनर्जी लॉस कर रही है, LC ऑसिलेशन की एनर्जी कम हो रही धीरे धीरे, तो क्या है, ऑब्वियस है, ये डैम्प ऑसिलेशन है। तो LCR सर्किट इक्विवेलेंट टू द डैम्प ऑसिलेशन, इन LCR सर्किट द कैपेसिटर चार्ज टू द क्यू नॉट, कैपेसिटर पे क्यू नॉट का चार्ज है, एंड देन कनेक्टेड टू द एल एंड आर एस इन द फिगर। इफ अ स्टूडेंट प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द क्यू मैक्स स्क्वायर ऑन द कैपेसिटर विद द टाइम टी एंड द टू डिफरेंट L1 एंड L2 दिस कंडीशन में, तो बताइए क्यू मैक्स वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो ये तो सत्य है कि क्यू मैक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस जो भी डैम्प ऑसिलेशन होता है उसमें जो एम्पलीट्यूड हम लिखते हैं ना, वही सिर्फ लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2m लिखते हैं इनटू टी। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, चार्ज का एम्पलीट्यूड है, तो ये एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, स्ट्रेट लाइन ये सब, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो टाइम के साथ तो मैक्सिमम चार्ज को घटना ही है, तो दोनों तो नहीं हो सकते। अब बात करना है कि दोनों में से कौन सा होगा। अब देखिए, लेकिन जिस सर्किट का इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, जिस सर्किट का इंडक्टेंस ज़्यादा होगा वो अपने चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक पाएगा, बचा पाएगा, उसका मतलब चार्ज का डीके कम होगा अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है। तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी यही तो है कि करंट को अचानक से फ्लो होने, डिस्टर्ब होने नहीं देगा। तो जिसका एल ज़्यादा होगा उसमें मैक्सिमम चार्ज धीरे 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 कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया है कि पहले आंसर बताते हैं, तो L1 ज़्यादा L2 से, इसका मतलब L1 वाला जो होगा ना वो नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। जब वो L1 ऊपर होगा तभी तो तुम आप कहोगे कि उसमें चार्ज धीरे धीरे घट रहा है, और L2 इंडक्टेंस कम है L2 का, अगर L2 का इंडक्टेंस L2 अगर कम है तो उसमें जो चार्ज होगा वो बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप करेगा। भाई इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है कि अपने चार्ज को मेंटेन रखता है, करंट को मेंटेन रखता है। तो L1 धीरे धीरे डिके करेगा और L2 तेज़ी से डिके करेगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, अ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस इतना इज रिमूव एज शोन इन द फिगर्स। मतलब एक सॉलिड स्फीयर था, इसका मास इनिशियल मास m था, उसमें से हमने क्या किया, r बाई 2 रेडियस का एक स्फेरिकल पार्ट रिमूव कर दिया। टेकिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड b बराबर 0 एट इन्फिनिटी, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी थस फॉर्म इज। मतलब इसके सेंटर का पोटेंशियल कितना है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, अगर कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें से अंदर से अपने एक हॉलो स्फीयर, एक स्फीयर निकाल दिया है बाहर, तो सेंटर का फील्ड निकाल, सेंटर का पोटेंशियल निकालिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे कि मान, अब निगेटिव कॉन्सेप्ट लगाना है, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कैविटी पूरी तरह से भरी हुई है, और तब जाके हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, उसमें से सेंटर का पोटेंशियल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपान आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें इस कैविटी का मास निकालना है कि कैविटी का कितना मास निकाला गया। तो मास ऐसा आएगा, पहले डेंसिटी निकालेंगे और उसके वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, डेंसिटी क्या होगी, टोटल मास m डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 4/3 πr³ एंड मल्टीप्लाई बाई इस कैविटी का वॉल्यूम, वो कितना आएगा, 4/3 πr² 3 तो वैल्यू आ गई m अपान 8। तो कैविटी वाला जो मास निकला है उसका मास है m अपान 8, और टोटल मास क्या है m। अगर कैविटी नहीं होता तो टोटल मास m था, और कैविटी वाला पार्ट का मास है m बाई 8। अब पोटेंशियल फॉर्मूला ये होता है, अब फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो अगर ये कैविटी नहीं होती तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, माइनस जी एम अपान आर इंटू 3/2 माइनस,
और ये एक्स क्या होता है, सेंटर से दूरी होती है, तो सेंटर से दूरी कितनी है इसकी, सेंटर से दूरी इसकी कितनी है, आर बाई टू है, तो आर बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर का स्क्वायर। तो ये जो पोटेंशियल हुआ वो कैविटी के सेंटर पे पूरे की वजह से आया, अगर कैविटी नहीं होती तो। उसमें से कैविटी वाला कितना पोटेंशियल दे रहा है घटाना पड़ेगा, तो कैविटी वाला जो पोटेंशियल देगा, अच्छा ये कैविटी, ये वाला जो पॉइंट है इस कैविटी का सेंटर ही तो हो गया, तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, एक्स जगह पे जीरो प्लेस करेंगे। कैविटी के लिए पोटेंशियल का जब फॉर्मूला लगाओगे, ये जी बी फॉर्मूला इस कैविटी के लिए आप लगाओगे तो क्या लिखोगे, एक्स बराबर जीरो, तो जीरो कर दीजिए, तो फिर क्या आ गया, माइनस जी एम अपान आर इंटू थ्री बाई टू। बट ये एम मास किसका होना चाहिए, इस कैविटी का होना चाहिए, क्योंकि कैविटी का ना पोटेंशियल सेंटर पर निकाल रहे हैं, कितना प्रोवाइड करेगा कैविटी का मास। तो हमने क्या लिखा, देखिए माइनस, अच्छा ये पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल जब कैविटी नहीं है तो उसमें से घटाएंगे, कैविटी वाला अपने सेंटर पर कितना दे रहा है, तो इट इज माइनस माइनस, फिर माइनस जी एम थ्री बाई टू, तो माइनस जी एम थ्री बाई टू, और एम की जगह पे एम अपान एट क्यों लिखेंगे, एम अपान एट क्यों लिखेंगे, क्योंकि कैविटी का मास एम अपान एट, और आर क्या है, आर कैविटी का रेडियस है जो कितना है, आर बाई टू, तो मैंने इस आर की जगह पे आर बाई टू प्लस किया। एक सिंपल फॉर्मूला होता है माइनस थ्री जी एम अपान टू आर एट सेंटर पे, इस कैविटी के सेंटर पे, तो एम की जगह हम एम अपान एट लिखेंगे और आर कैविटी का रेडियस क्या है, आर बाई टू, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आएगी माइनस जी एम अपान आर, जो कि आपको दिख रहा है कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है।